हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 या फिर नेक्स्ट 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में और आपका किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, फर्स्ट रीडिंग और रिवीजन आपका कितने टाइम में होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट में आपके पास टाइम कितना है। तो आपकी नीट जो है वो यदि जनवरी में होगी तो आपके पास 8 महीने हैं, यानी कि टोटल आपके पास मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने। तो 8 महीनों में आपको क्या टाइम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, तो सबसे पहले 8 महीनों में से आप संडे को माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 महीने में 4 संडे आ गए तो आपके 8 महीने में हो गए टोटल 32, यानी कि अप्रोक्स 1 महीना आपका संडे में निकल गया। तो अब आपका बचा 7th मंथ। तो 7th मंथ में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि आप अपना मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाए। तो उसमें आप अपने 3 रीडिंग मिनिमम आपको चाहिए, तो उसको आप 3 फेज में डिवाइड कीजिए। पहली रीडिंग आपकी होनी चाहिए फर्स्ट रीडिंग 130 डे में, यानी कि अप्रोक्स आप मान के चलिए 4 महीनों में मिनिमम। दूसरा सेकंड रीडिंग 50 डे और फाइनल रिवीजन 30 डेज में। तो ये था आपका 7 मंथ का डिवीजन, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन। अब आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। पहले होता था कि सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट। अब थोड़ा अलग ही, अब आपको अच्छी रैंक लो इनपुट के साथ में हाई आउटपुट चाहिए, तो आप सब्जेक्ट को 3 फेज में डिवाइड करें, रैंक मेंटेनिंग सब्जेक्ट, रैंक बिल्डिंग सब्जेक्ट और रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट। रैंक मेंटेनिंग सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है वो आपकी रैंक को बनाए रखेंगे, कहां तक, ये लगभग आपको 25, यदि ये आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं तो 25-30 हजार रैंक तो आपकी आई जाएगी। तो मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स, गायनी, पीडिया, ये सब्जेक्ट आपको थोरोली पढ़ने, अच्छे डीप में पढ़ने, तो इनको बोलते हैं रैंक मेंटेनिंग सब्जेक्ट। फिर आते हैं आपके रैंक बिल्डिंग सब्जेक्ट, इसमें वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो मीडियम साइज के हैं, जहां से क्वेश्चन भी एक सफिशियंट अमाउंट में आते हैं। ये आपका रैंक, यदि आपका रैंक मेंटेनिंग और रैंक बिल्डिंग दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आप आसानी से अंडर 5000 तो आ ही सकते हैं। और रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट, ये डिसाइड करते हैं कि आप कहां स्टैंड करेंगे 1 to 5000 रैंक के बीच में। इन सब्जेक्ट से क्या होता है कि ये जो माइनर सब्जेक्ट है आपके, डर्मा, रेडियो, साइकी, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, एफएमटी, इनसे क्वेश्चन कम आते हैं और क्वेश्चन जो आएगा वो फाइंड आएगा कि वहां से आप, यदि आपने पढ़ रखा है तो बन जाएगा, टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपको सब्जेक्ट को पहले कैटेगराइज करना है। तो ये काम आपने कर लिया, रैंक मेंटेनिंग, रैंक बिल्डिंग, रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टाइम आपके पास 7 मंथ है। यदि आप पहले अपन शुरू करते हैं फर्स्ट रीडिंग से, फर्स्ट रीडिंग के लिए आपके पास 130 डेज है। अब इस 130 डेज को आप किस तरीके से यूज करेंगे, सबसे पहले ये आपके एक एवरेज मैंने निकाल दिया है कि 130 डेज को आप कहाँ यूज करेंगे। तो एनआट में 8 दिन आपको लगने चाहिए, ऐसे फिजियो 7, बायोसिस 7, पैथो 8, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। यदि आप इस टाइम लिमिट के अंदर सब्जेक्ट कवर करेंगे तो आपको 130 डेज लगेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये फॉलो करें, आपको क्या करना है, आप 19 सब्जेक्ट अपनी नोटबुक या पहले पेज पे एक चार्ट पे लिखें, आप अपना एक एवरेज लगाएं कि आपको उसमें कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि मान लो मेरा ऑप्थल अच्छा है तो मुझे 5 की जगह 3 दिन ही लगेंगे, पीएसएम मेरा थोड़ा वीक है तो 8 की जगह मुझे 12 दिन लगेंगे, और गायनी मेरा थोड़ा वीक है तो 9 की जगह मुझे 15 दिन लग गए, या फिर रेडियो मेरी अच्छी है यानी कि रेडियो इंटीग्रेटेड है तो मैं जल्दी कवर कर लूंगा तो रेडियो में मेरे 2 दिन हो गए। तो आप अपना टाइम निकालें कि आपको ये 19 सब्जेक्ट जो है उनकी पहली रीडिंग कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। यदि आपका टाइम 130 डेज या इसके आसपास प्लस माइनस 10 कर लीजिए आप, यदि 130 प्लस माइनस 10 आता है तो ठीक है, ये सफिशियंट है कि आपको हाँ इतना टाइम लगेगा। लेकिन आपका 130 की जगह 150, 180, 170 कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको फिर सोचना है, आपको उस टाइम को सोचना पड़ेगा कैसे मैनेज करना है, आपको हर एक में से कट करना पड़ेगा या फिर आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है 130 डेज, इसमें आपको खत्म करना है क्योंकि उसके बाद आपके पास रिवीजन भी है। यदि आपको इसको 200 दिन में 180 डे में कंप्लीट करेंगे तो आपके पास रिवीजन के लिए कम टाइम रहेगा, और रिवीजन आप नहीं करेंगे तो पहली बार आप पढ़ के गए तो याद रहेगा नहीं, आप क्वेश्चन टॉपिक सब याद आ जाएगा लेकिन जो ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, 2 को आप एलिमिनेट करेंगे 2 आपसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन में भी अपने को टाइम देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में बहुत लंबा खींच दिया, फर्स्ट रीडिंग को भी आपको टाइम लिमिट के अंदर खत्म करना है। तो फर्स्ट रीडिंग आप अप्रोक्सीमेट 4 महीनों में या फिर 4.5 महीनों में कंप्लीट करें।
अब हम बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग के बारे में, यानी कि आपकी फर्स्ट रीडिंग कितने टाइम में होनी चाहिए और फर्स्ट रीडिंग के टाइम आपको क्या टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। तो पहली रीडिंग के लिए आपके पास जो टाइम है वो है 4 महीने, यानी कि 4 मंथ में आपको 19 सब्जेक्ट करने हैं। यदि आप एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट भी लेके चले तो आपको 4 महीनों में आप 16 सब्जेक्ट कर पाएंगे। ये था आपको मिनिमम, यानी कि आप यदि मिनिमम एवरेज निकालें तो आपको एक सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट एक वीक में कंप्लीट होना चाहिए। तो आपके पास 1 महीनों में हो गए 4 सब्जेक्ट, यानी कि पर मंथ आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट करने हैं। अब उस 4 को आप कैसे डिवाइड करें, तो आपको 3 मेजर तो मिनिमम करने हैं। 1 महीने के अंदर आप 3 मेजर सब्जेक्ट करें और माइनर 1 या 2। यदि आप इतनी स्पीड से चलेंगे और इसको फॉलो करते चलेंगे तभी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो पाएगा, आपका पहले रीडिंग रिविजन टाइम पे हो पाएंगे। यदि आपने ये फॉलो नहीं किया है, यानी कि आपको 4 महीनों की जगह 7 महीने फर्स्ट रीडिंग में लग गए, तो आप इस गेम से धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो आपको करना ही है, वो आपको आपको पहले ही आइडिया है कि कहाँ से पढ़ना है क्या है, उस पर अपन डिटेल में अगले वीडियो में बात करें। इसमें हम बात कर रहे हैं आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो आपका 1 महीने के अंदर 3 मेजर और 1 या 2 माइनर सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम भी आप लेके चले तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट पर मंथ और आप मैक्सिमम इसको 5 या 6 सब्जेक्ट पर मंथ करते चले। तो इसमें आपका मई टू लेके सितंबर आपका यूज हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग में। इसमें से अपन संडे माइनस कर देंगे तो आपको मई टू सितंबर आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई। फर्स्ट रीडिंग में आपने 19 सब्जेक्ट कर लिए, 19 सब्जेक्ट आपको थोरोली करना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी एमसीक्यू और कस्टम मॉड्यूल, वो अपन आगे बात करते हैं। तो आपका मंथली वीकली और डेली प्लानिंग क्या क्या होनी चाहिए, तो ये था। तो अब आप मई से सितंबर तक किस तरीके से प्लान करेंगे, तो मई में आपको स्टार्टिंग में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपने मई में 4 या 5 वो सब्जेक्ट कर ली है जो आपके स्ट्रॉन्ग, इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप थोड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आपके अंदर नहीं आएगा। तो आपने मई में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली, फिर आप जून जुलाई अगस्त सितंबर सारे सब्जेक्ट आप पर मंथ लिख लीजिए। आप अपनी स्ट्रेटेजी एक पेज बनाइए, उसमें आप लिख लीजिए कि आपको मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 19 सब्जेक्ट इस टाइम लिमिट में खत्म करने हैं। तो ये आपकी थी फर्स्ट रीडिंग प्लान। फिर आपको बनाना है मंथली प्लान, यानी कि आपके मई के अंदर कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपके जो जो सब्जेक्ट हो रहे हैं उन सब्जेक्ट को नाम लिख लीजिए कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट करने हैं मुझे मई के अंदर। फिर आप अपना वीकली प्लान बनाइए कि आप ये जो अभी है 1 से लेके 7 मई तक में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा, तो वो हो गया आपका वीकली प्लान। वीकली प्लान के बाद बनाना आपको डेली प्लानिंग, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मुझे 1 से 7 मई में फार्मा पढ़नी है, तो फार्मा में डेली प्लानिंग के अंदर यानी कि आपको पहला दिन है तो उसके अंदर आप पहले दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है आपका CVS, यानी कि आपको पर डे एक CVS पूरा पढ़ना है, आपको डेली पता होनी चाहिए। जब आप सुबह पढ़ने बैठेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ आज ये कंप्लीट करना है। अब आपको डेली क्या फॉलो करना है पढ़ने में, मिनिमम जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ वो है आपका थ्योरी, क्यूबेक और कस्टम मॉड्यूल। थ्योरी आप क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे ये आपके ऊपर है, यानी कि ये नहीं कि आपको कोई सब्जेक्ट मेरो में अच्छा लग रहा है, कोई प्रेप में अच्छा है, एनाटॉमी डेम्स की अच्छी, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स को फॉलो करें। तो उसकी आपने थ्योरी पढ़ी, यदि आपके कुछ वीडियो बाकी है ये देख रहे तो अच्छी बात है, वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको लगाने क्यूबेक, थ्योरी पढ़ी उसके बाद में आपने लगाया क्यूबेक। क्यूबेक से आप क्या करेंगे, जो नीट और एम्स जहां पे टैग लिखा होगा क्यूबेक लगाएंगे, आपको उसमें मिलेगा नीट और एम्स। ये आप क्या करेंगे इस थ्योरी के अंदर आप लिख लें। तो क्यूबेक पढ़ने के बाद में आप थ्योरी के अंदर उस टॉपिक को हाईलाइट कीजिए, आपको क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं करना, आपको टॉपिक हाईलाइट करना है। तो थ्योरी में आपने हाईलाइट कर लिया कि हाँ ये टॉपिक नीट और एम्स में आया हुआ है, तो ये आपका उस सब्जेक्ट का प्लानिंग होगी। आप CVS पढ़ रहे हैं तो CVS की थ्योरी क्यूबेक पर डे, प्लस आपको लगाने हैं कस्टम मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल किसके लगाने, जो आपने पहले पढ़ा था, तो कस्टम मॉड्यूल किस लिए, रिवीजन करने के लिए, कस्टम मॉड्यूल रिवीजन करने के लिए। यानी कि आप आज CVS पढ़ रहे हैं, पहले आप CNS पढ़ चुके हैं, तो CNS का आपने कस्टम मॉड्यूल लगा लिया। कस्टम मॉड्यूल आपको डेली लगाना है, शुरुआत में CNS से जैसे अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है तो उससे ज्यादा क्वेश्चन लगाए, धीरे धीरे क्वेश्चन कम करते जाए या फिर सब्जेक्ट को भी मिक्स करते जाए। यानी कि आपका 1 महीना हो चुका है, 4 सब्जेक्ट हो गए, तो आपने कस्टम मॉड्यूल लगा लिया 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन उन 4 सब्जेक्ट से, और कोशिश करें कि मिक्स सिलेक्ट करें। यदि अपन पर्टिकुलर आप एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप तुक्का भी लगा देते हैं, क्योंकि अपन को पता होता है कि क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है,
तो आपको कस्टम मॉड्यूल रिवीजन करने के लिए और थ्योरी और क्वेश्चन बैंक अपना साथ साथ में पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपको 20 नोटबुक बनानी, उसमें आप लिखेंगे क्या जो वोलेटाइल चीजें होती है, कोई क्लासिफिकेशन का नाम है, कोई साइन है, जो आपको कन्फर्म पता है कि आप भूल जाएंगे, वही चीज इसमें लिखें। 20 नोटबुक में जितना आप मिनिमम हो सके उतना लिखें, ऐसा नहीं है कि आपको 20 नोटबुक बहुत ही बड़ी बना।